नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क हिंदी के एक नए वीडियो में। स्वदेशी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने जेटी स्पेशल व्हीकल में जेएम ऑटोमोटिव की 50% हिस्सेदारी को खरीदने का एग्रीमेंट साइन कर दिया है। बता दें कि इसके बाद जेटी एसवी अब पूरी तरह से सिर्फ टाटा मोटर्स का ही उपक्रम हो गई है। इसके साथ ही टाटा मोटर्स ने यह घोषणा भी की है कि कंपनी ने भारतीय बाजार में टियागो जेटीपी और टिगोर जेटीपी की बिक्री बंद कर दी है। जेटीपी ब्रांड के तहत अभी तक इन्हीं दो मॉडलों को भारतीय बाजार में बेचा जा रहा था, लेकिन इनकी कम बिक्री के चलते इन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों कारों को एक स्पोर्टी लुक और दमदार इंजन के साथ बाजार में पेश किया गया था और इन्होंने बहुत से ग्राहकों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा, लेकिन बाजार की खराब स्थिति के चलते बिक्री उतनी बेहतर नहीं हो पाई। कंपनी ने इन कारों को अभी तक BS6 मानकों के आधार पर अपडेट नहीं किया था। टाटा मोटर्स ने अपनी एक स्टेटमेंट जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है। हालांकि कंपनी ने अपने चुनिंदा डीलरशिप्स पर इन कारों के मालिकों को जरूरी सेवाएं देने की बात कही है। जेटीएसवी की बात करें तो इसे दोनों कंपनियों द्वारा साल 2017 में एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मकसद टाटा मोटर्स के लिए जेटीपी ब्रांड के तहत हाई परफॉर्मेंस कारों का उत्पादन करना था। टाटा टियागो जेटीपी और टिगोर जेटीपी को साल 2018 में लॉन्च किया गया था। टियागो जेटीपी और टिगोर जेटीपी में 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन लगाया गया था। यह इंजन 114 bhp की पावर प्रदान करता था। इस कार में सामान्य मॉडल के मुकाबले थोड़े चौड़े टायर लगाए गए थे। इसके साथ ही अंदर और बाहर से इस कार को आकर्षक लुक दिया गया था। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ऑटो जगत से जुड़ी और भी ताज़ा जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहें ड्राइव स्पार्क हिंदी के साथ।